हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़, स्वागत आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे मेरी बाइक खड़ी है, होंडा S125। और इस बाइक में एक प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया और इंस्टा पे DM भी किया कि भैया हमारी बाइक में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आज के वीडियो में उसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूँ और उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। अप्रोक्स 50 रुपीज़ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज के वीडियो में अपन ये चीज़ करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि अगर आपकी बाइक में भी प्रॉब्लम है तो आप इसको सही कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे बाइक नॉलेज के वीडियो देखने को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो यार, सबसे पहले आपको मैं वो प्रॉब्लम दिखा देता हूँ जिसको मैं भी फेस कर रहा हूँ और काफ़ी भाई लोग और भी फेस कर रहे हैं। यहाँ पर आप बाइक को नोटिस कीजिए, ये जो बाइक है 2 साल पुरानी है। तो आप देख सकते हो बाइक को अभी तक भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में और कहीं भी इसका कलर जो फेड नहीं हुआ है, पूरी बाइक अच्छी कंडीशन में, ओके कंडीशन में। लेकिन आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी ख़राब लग रही है यहाँ पे, वो है इसका साइलेंसर। इसका जो साइलेंसर है हीट होके, देखो यहाँ पे पूरा कलर इसका फेड हो गया है। यहाँ पे ऐसा कलर का आया था जब ये बाइक नहीं थी, ऐसा कलर का था, और अभी पूरा ये देखो कितना गंदा लग रहा है अभी। तो आज के वीडियो में अपन इसके ऊपर कलर करने वाले हैं, जो कि यार अपने को ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा, अप्रोक्स 50 रुपये में काम हो जाएगा। तो ये पूरा कलर मैं पेंट करूँगा और अभी आप ये लुक देख लीजिए और कलर करने के बाद इसका कैसा क्या लुक आता है वो भी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको सोल्यूशन चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी है कैसे कलर करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है, तो वो आपको मैं इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। इंस्टा पर फॉलो कर लो और कोई भी क्वेरी है तो इंस्टा पर डिटेल से आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं कलर करना। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कलर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये कलर का देख लो भाई ब्रांड वगैरह जो है, और ये यहाँ पे मेट ब्लैक आपको यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे जो इसके ऊपर मेट ब्लैक ही सही लगेगा। ग्लोसी वाला नहीं लेना आपको, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये मेट ब्लैक वाला आपको यूज़ करना है। ये मैंने अप्रोक्स 140 का ये डब्बा लिया था और उसको एक दो बार मैंने यूज़ कर लिया है, अभी भी इसमें काफ़ी सारा बचा हुआ है। ये तो आसानी से इसमें हो जाएगा, तो कॉस्ट अपने को 50 रुपये भी कम पड़ने वाली है। अप्रोक्स ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये इसको मान सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते अपन कलर करना, थोड़ा दूर से अपने को कलर करना है ताकि यहाँ पे बाकी और जगह पे कहीं पे भी कलर के छींटे नहीं लगे। और ये स्प्रे वाला कलर है भाई, यही आपको यूज़ करना है। तो यार इस साइड से भी कलर अपन ने कर दिया है, अब दूसरी साइड से जाके पीछे का जो बैक एरिया उसको भी कलर करते हैं अपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह पूरा ये एरिया ऐसा है, तो इसको भी अभी अपन कलर कर देते हैं। अभी यहाँ पे जो फ्रंट का एरिया बच गया इसको भी कलर कर देते हैं अभी अपन। तो भाई पूरी बाइक पे अपन ने जहाँ पे भी कलर ख़राब था वहाँ पे पूरा कर दिया है, देख सकते हो। ये मैंने साइलेंसर पे पूरा यहाँ पे कलर मार दिया है और अभी थोड़ा वेट करना अपने को इसको सूखने का। सूखने के बाद पूरा ये अच्छे से लुक देगा, मेट ब्लैक निकल के आएगा पूरा कलर। और यहाँ पे भी अपन ने कर दिया पूरा इस तरफ, वो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी ख़राब था तो मैंने यहाँ पर भी इसमें कलर मार दिया है क्योंकि बचा हुआ था अपने पास काफ़ी। तो इस साइड पर भी यहाँ पर पूरा अपन ने कलर कर दिया है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ी देर सूख जाए फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली कलर पूरा सूख चुका है, देख सकते हो आप। और अब फाइनल लुक देखो यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी सही लग रहा है साइलेंसर। यहाँ से थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको, क्या आप देख सकते हो। तो अब यार ये जो बाइक है देखने में अच्छी लग रही है। यहाँ पे भी अपन ने कलर किया था इसमें, और इस साइड में थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो अपन ने यहाँ पे भी कलर कर दिया, बिल्कुल न्यू के जैसा कलर हो गया, सूख गया पूरा कलर। और मेट फिनिश वाला एक कलर है तो लुकिंग वाइज काफ़ी सही लग रहा है। अब थोड़ा दूर से बाइक का लुक दिखाता हूँ आपको मैं। तो पहले जो चीज़ थी साइलेंसर, ये अलग से नोटिस हो रही थी क्या कलर ख़राब हो रखा है और दिखने में काफ़ी भद्दी लग रही थी बाइक, लेकिन अभी देख सकते हो आप पूरा ऑल न्यू लग रही है। तो पहले भी बाइक तो वैसे नहीं थी, कलर भी नया था, लेकिन यहाँ की वजह से थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी अभी आपको कैसा क्या कलर लग रहा है, ये बाइक कैसी क्या लग रही है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो।
तो यार यही सब कुछ आज इस वीडियो में, काफ़ी लोगों की डिमांड थी इस चीज़ के बारे में कि भैया हमारा साइलेंसर का कलर ख़राब हो चुका है, कैसे सही करें। तो ये जो प्रॉब्लम है आज के वीडियो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी है, और खर्चा भी ज़्यादा नहीं भाई, 40-50 रुपये में अपना काम हो चुका है। तो आप भी अपने घर पर, अगर आपके पास ये बाइक है, तो घर पर ऐसा साइलेंसर पर कलर करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इस बाइक के एक और दो वीडियो आने वाले हैं, टायर अपग्रेड के बाद ये बाइक कितना क्या माइलेज दे रही है और इसकी टॉप स्पीड कितनी क्या है। 2 साल हो चुके इसको, इस बाइक को, तो 2 साल के बाद माइलेज कम हुआ है, ज़्यादा है, या फिर वैसा माइलेज मिल रहा है, वो भी आगे आने वाले अपन वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे वाले वीडियो आपको सारे देखने को मिल जाए। बाकी इस बाइक के रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, किसी बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, तो आप इंस्टा पे मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी मेरी आ रही है तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, और डिटेल में मैसेज पे अपन बात कर सकते हैं। इस वीडियो करता है यहीं पे एंड, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।